बड़ी सिंचाई की योजना कभी कांग्रेस ने दी राजगढ़ जिले को? और आज जोर से दिल से बताओ दीजा। देखिए सरकार सरकार में फर्क है, वो सरकार चलाते थे लेकिन विकास के काम नहीं करते थे। मेरे बहनों और भाइयों, मोहनपुरा हो, कुंडलिया हो और अभी पार्वती रसई, इन सिंचाई योजनाओं पर भी काम चल रहा है और किसान ये साफ सुन लें। मेरे भाइयों बहनों, मैं सूखी खेती का दर्द जानता हूं। अगर खेत में पानी ना आए तो जितने दाने डालो उतना ही उत्पादन नहीं होगा। और ये हमारा संकल्प है कि राजगढ़ ब्यावरा जिले के एक एक खेत में सिंचाई का पानी लाने की कोशिश करेंगे। और जिनकी जमीन डूब रही, वो किसान जो मुझे रास्ते में मिले थे, वो चिंता ना करे, मुआवजा भी पूरा पूरा दूंगा, फिर से पुनर्वास का पैकेज करूंगा। देखो मैं न्याय करने के लिए हूं, अन्याय करने के लिए नहीं। लेकिन चाहे सिंचाई का पानी हो, अगर ज्यादा मत सोचो, एक बात सोचो, मेरे भांजे भांजी तो जानते नहीं छोटे छोटे कि पहले सड़कों की हालत क्या थी। उनने तो मामा का राज देखा है, लेकिन ब्यावरा वालों, पहले ब्यावरा से भोपाल पहुंचने में कितने घंटे लगते थे कांग्रेस के राज में, जरा ईमानदारी से बताना। सामने से भी बताओ कितने घंटा लगते थे और अब कितने घंटे लगते हैं। ये सरकार सरकार का फर्क है। उनने सड़कों के नाम पर गड्ढे दिए। अरे मई जून के महीना में रात रात भर बिजली नहीं आती थी तो चट्टी बनियान पर सड़कों पर घूमना पड़ता था हवा करती है तौलिया से। बताओ सही बात है कि नहीं? ये हालत होती थी ना, उनने सड़क दी, ना उनने बिजली दी, ना उनने पानी दिया। और मेरी लाडली बहनाओं, अभी लाडली बहना योजना तो आई है, लेकिन याद रखना तुम्हें अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने दूंगा। अब पाइपलाइन बिछा के और तुम्हारे घर में डोटी वाला नल लगा के पीने का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि टोंटी खोलो तो थर थर पानी आ जाए और गुंड और गघरा भर जाए। कभी कांग्रेस ने किया क्या मुझे बताओ? अरे जोर से बताओ मेरी बहना, किया क्या? उन्हें पानी नहीं दिया, उन्हें बिजली नहीं दी, उन्हें सड़कें नहीं दी। उन्हें मेरी बहनों, कभी लाडली बहना के खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे मीडिया तो बहनों से बात तो कर लें दो यार, दिखाई नहीं दी मुझे। अच्छा मैं एक बात, हेलो, मैं जरा घूम के बात करता हूँ। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना ये जनता की बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मैंने कहा 1000 रुपया दूंगा तो घबरा गए। नहीं मैंने हम भी देंगे, अब तक क्या कर रहे थे, अब तक कौन ही दिया? अरे मैंने 1000 रुपया दिया था पहले बेगा भारिया सहरिया बहनों को, कमलनाथ और कांग्रेस ने वो पैसा बंद कर दिया था। और सुन लो बहनों, बहनों की आंख में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। मेरी गरीब बहने, मध्यम वर्ग की बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, 1500 की जरूरत भी पड़ जाए तो गरीब बहने कितनी परेशान रहती थी। 1000 रुपया की जरूरत होती थी तो हाथ फैलाना पड़ते थे, कभी बेटा बेटी आ जाए गोद में बैठ जाए और बिटिया क्या माँ फिराक दिला दे मुझे। माँ की इच्छा होती कि अपनी बेटी को फिराक दिला दू, लेकिन पैसा पास नहीं होते तो कितनी बेबसी महसूस होती है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटी को फिराक दिला देती, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को शर्ट दिला देती। कभी आ गया बेटा बेटी, किताब मांग ली, खिलौना मांग लिया, मजबूर हो जाती बहन। अब सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में कई बार मायके जाती है तो भैया के बेटा बेटी आ जाते हैं, बुआ जी हमारे लिए क्या लेके आई, मजबूर हो जाती, पैसा नहीं होते। और पति देव से मांग रहे तो मायके जा रहे हैं, 1000 रुपया तो दे दो, तो वो ताने मारते हुए कहते थे जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मोहलत का कर जाती,
सुनो मेरे ब्यावरा की बहनों और मध्य प्रदेश की बहनों, तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा किसी कीमत पर नहीं। और ये 1000 रुपया शुरुआत केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगी। अरे 1000 रुपया बांटने में ही कितने साल भर में खर्चा होंगे पता है? 15000 करोड़ रुपया। जरा दिल से बताना, मैं ना तुमसे पूछ रहा हूं, कोई और दे सकता था क्या? अरे जोर से बता, दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? लेकिन 1000 तक नहीं। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम हो जाएगा मैं बढ़ा के 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने करूंगा? और ये करूंगा क्योंकि मेरा संकल्प बहनों की जिंदगी बदलना है, बच्चों का भविष्य बदलना है। मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हें लैपटॉप देता था, लैपटॉप 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। ये कमलनाथ और कांग्रेस ने लैपटॉप छीन लिया, जब उनकी सरकार आई लैपटॉप का पैसा नहीं दिया। मैं साइकिल देता था दूसरे गांव के लिए, ये कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने साइकिल का पैसा छीन लिया। मेरी बहनों, मैं देता था डिलीवरी के पहले 4000 गरीब बहन को, ताकि मजदूर बहन कुछ खा पी सके, उसके भी अंग लग सके, और बेटा बेटी जो कोख में पल रहा है उसके भी काम आ सके। और जन्म के बाद 12000-16000 रुपया देता था। लेकिन कांग्रेसियों, तुमने तो मेरी बहन से डिलीवरी के लड्डू के 16000 भी छीन लिए। वो पैसा भी इन्हें बंद कर दिया, मेरी बेटियों की शादी करवाता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, शादी करवा दी, लेकिन पैसा नहीं दिया। कौन हजार देंगे? बाद में ढेला दिया क्या कोई बताए? अरे दिया क्या? ये बेटियों के कन्यादान के पैसे खाने वाले, ये आज कह रहे हैं हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। मेरे भांजे भांजियों, 20 तारीख के दिन तुम्हारा मामा, मेरे वो बच्चे जिनने 12वीं में 75% नंबर लाए, उनके खाते में 25000 रुपया डलवाने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले स्थान पे आए हैं, अभी बीच में भांजे कह रहे थे मामा भांजा योजना लाना, तो हमने तय किया है भांजों को भी स्कूटी दूंगा, जो जो गाड़ी वो खरीदना चाहेंगे टू व्हीलर भांजों को भी दूंगा, भांजों को स्कूटी देने का काम करूंगा। और सुनो, मैं तुम्हारा मामा हूं, मेरे भाइयों तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो। आज स्कूल चले हम अभियान हमने चलाया, और उस अभियान में मैंने अपील की बच्चों को स्कूल भेजो। सुनना, पैसा बाधा नहीं बनने दूंगा, हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर। आज पहली बिल्डिंग बन गई गुलाना में, अगर टीवी में देखा हो तो, एक बिल्डिंग 32 करोड़, 36 करोड़, 40 करोड़ की बनेगी। उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, लैब है, लाइब्रेरी है, बच्चे गांव से आएंगे तो पैदल नहीं आएंगे, मामा बस भिजवाएगा लेने, ताकि बस में बैठ के आए। स्मार्ट क्लास में दिल्ली बंबई से भी कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को ये लगेगा कि यहीं पढ़ा रहे हैं। मैं गरीब बेटा बेटी हो, किसान बेटा बेटी हो, मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में लगता है हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते, जब प्राइवेट स्कूल देखते हैं तो उनकी आत्मा जलती है कि हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ पाते। अब ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर होंगे मेरे बहनों और भाइयों, क्या किसान के बेटा बेटी पढ़ेंगे, क्या गरीब के बेटा बेटी पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों, ये मामा का वचन है तुम्हें, तुम्हारी पैसा को बाधा बनने नहीं दूंगा। और फिर मेरे बेटा बेटियों, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, या और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, बताओ किसान दे सकता है क्या? हर साल होती है, एक साल की नहीं, 5 साल, 10-10 लाख, 50 लाख लग जाए, बताओ किसान दे सकता है क्या? गरीब दे सकता है क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी ये फीस तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। मैं जमाना बदल दूंगा रे, तुम्हारे लिए जमाना बदल दूंगा, ताकि कोई बेटा बेटी मजबूर ना हो, कोई बेटा बेटी बेबस ना हो। और इसलिए ये योजना बनाई है, भांजा योजना की बात कर रहे थे मेरे बेटा बेटियों, देखो रोजगार के लिए कभी कांग्रेस ने नौकरियां निकाली क्या? अरे बताओ निकाली क्या? 1 लाख नौकरियां अभी 15 अगस्त तक हो जाएगी, 1 लाख नौकरियां, उसके बाद 50,000 रुपए फिर भर्ती चालू करूंगा। ये भर्तियां बंद नहीं होगी, सरकारी नौकरियों में भी बच्चों को मैं रोजगार दूंगा, प्राइवेट अलग अलग फैक्ट्री में उनको रोजगार मिले उसकी कोशिश करूंगा। बच्चे अपना काम धंधा करना चाहें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उनको लोन दिलाऊंगा, जिसकी गारंटी भी मामा लेगा, ताकि वो बिजनेस व्यापार शुरू कर सके, और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। लेकिन एक नई योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, मैं लेके आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई इस योजना में। मेरे बेटा बेटियों, अगर तुमने 12वीं पास कर ली या ITI पास कर ली और उसके बाद तुम्हें काम सीखना है, तो कांग्रेस कहती बेरोजगारी भत्ता, पहले भी कहा था कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ता, किसी बच्चे को दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? एक बच्चे को नहीं दिया। मैं बेरोजगारी भत्ता नहीं, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। मैं काम सिखाने भेजूंगा और उसके बदले में 8,000 रुपया महीना दूंगा, ताकि बच्चे काम भी सीखे और तब तक उनका आजीविका का इंतजाम भी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। बेटा बेटी किसान भाइयों, अरे थोड़ा याद करके तो देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी कितने परसेंट ब्याज पर कर्जा मिलता था, याद है क्या? अरे याद है कि भूले गए? 16% और 18% घटा के मैंने 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, और फिर एकमात्र मध्यप्रदेश ऐसा राज्य था जो 0% ब्याज पे कर्जा देता था, 0% ब्याज पे। आज भी 0% ब्याज पे कर्जा, इन्हें कर्जा माफी की बात करी, माफ यानी तो ब्याज और चढ़ गया, वो ब्याज भी मैंने राजगढ़ की धरती से ही 2,200 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज भरने का काम किया था। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं, छोटे किसान के लिए कम बड़ी राशि, कम राशि दी है, वो 6 डालते, मैं भी 6 डालूंगा, तो 6×12 तो 1,000 रुपया महीना सीधे किसान को ऐसे मिलेगा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त में राशन की योजना, आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। और मेरी बहनों, ये 3,000 तक तो मैं सीमित नहीं रहने देना है, मेरी बहनों की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और ये केवल भाषण नहीं है, आजीविका मिशन की बहनें है, ठीक है, या कोई आजीविका मिशन वाली, आजीविका मिशन वाली बहनें हो तो हाथ उठाओ, अभी ज्यादा नहीं है कुछ, ये आजीविका मिशन के माध्यम से नए नए काम बहनों को दे रहे। अभी 4 दिन पहले हमने तय किया है कि 2 करोड़ तक का टोल टैक्स जहां वसूल होता है वो आजीविका मिशन समूह की बहनें वसूल करेंगी, और 1 लाख वसूल करेंगी तो 30,000 उन बहनों को दे दिया जाएगा, 30%। नए नए काम धंधे, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना है, साबुन, सैनिटाइजर, खाने का सामान, दीदी कैफे, अलग अलग तरह की चीजें, ये सब मेरी बहनें कर रही है, और इसको एक आंदोलन का रूप दूंगा। और आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी बदलनी है आपकी, मेरी जिंदगी में और क्या है, मेरा परिवार है,
इस परिवार के लिए जीता हूं तो एक ही तरफ से दिन रात के और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। और इसलिए तो कांग्रेस के मित्र परेशान है, उनको लगता है ये डेढ़ मुट्ठी का फिर से आ गया, परेशान करता रहता, पता नहीं कहां कहां की योजना ले आता है। तो कहीं का गाना गवाया उन्हें, पता नहीं कौन सी कावा शकुनी मामा कंस मामा पता नहीं, रोज मुझे गालियां दिलवाते हैं मेरी बहनों। बताओ मैं तुम्हें शकुनी और कंस जैसा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ लगता हूं क्या? कमलनाथ कितने कंस कह लो रे, जनता तुम्हें जानती है, मैं तो किसान का बेटा हूं, इस परिवार का सदस्य हूं, बहनों का भाई हूं, बच्चों का मामा हूं। जिंदगी बदलेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ विकास के काम जारी रहेंगे, दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम जारी रहेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है, क्योंकि आज बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं था, आज तो जनता के दर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन आप इकट्ठे हुए इसलिए मैंने यहाँ बात करना शुरू की। मेरे सभी बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा अभियान है, इस अभियान में अकेला मैं नहीं, मुझे आपका भी साथ चाहिए। बोलो आप सबका साथ मिलेगा? जैसे बहनों की लाडली बहना सेना बना रहे, क्योंकि बहनों के कल्याण की जितनी योजनाएं तुम लागू करवाओ, तुम्हारी ये जो टीम है गांव गांव की और शहर में वार्ड में, वो छूछी टीम नहीं है, उसको अधिकार दे रहा हूं, वो बहनों के कल्याण की सब योजनाएं जमीन पर लागू करवाएंगी, इसका उनको अधिकार रहेगा। सब योजनाएं पढ़ के बताने का योजना समय नहीं है। और वैसे ही आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपका सकारात्मक मिलकर करें, मैं अकेला काय को करूं, प्रशासन अकेला काय को करे, प्रशासन के मित्र भी काम में लगे। हमारे जो कमजोर कर्मचारी थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्थाएं भी मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं, ताकि हर एक की जिंदगी आराम से गुजरे, चैन और आनंद से गुजरे। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास पर्व है, आने वाले समय में 2,00,000 करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ होगा मध्य प्रदेश में। अभी हमने 6,000 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास के काम राजगढ़ जिले के लिए राजगढ़ में करके दिए थे, तो विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मुझ पर विश्वास है आपको? इधर वाले सड़क वाले भी बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ सारी दूरी समाप्त कर दें, मिलकर साथ चलें, नया मध्य प्रदेश बनाए, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ बहनों की आंखों पे आंसू नहीं होंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ खेती खा फायदे का धंधा होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ किसान के खेत में पानी होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ मेरे भांजे भांजी सांसद पढ़ेंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ रोजगार के अवसर होंगे, और ऐसा मध्य प्रदेश बनाने में अपने भाई का साथ दीजिए, अपने मामा का साथ दीजिए। बोलिए सब तैयार हैं? मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जोर से बताएं बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के मामा के साथ चलने का संकल्प लेंगे। सड़क वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सावन सोमवार, इसलिए हर हर बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आभार, आभार के लिए जी। आज के इस कार्यक्रम के आभार के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए
की राशि की मांग करी है। अरे हमारी रामराज सुखालिया, इनमें मैं विशेष निधि से राशि की व्यवस्था करूंगा एक बार आपके चर्चा करके कौन कौन सी करनी है। धन्यवाद। अरे हमारी भी तो सुनो।